गीता बहन जी का धन्यवाद। चंद्रेश भाई भी आ गए हैं पूरा ग्रुप लेके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मधुबन आ गया है। ओम शांति। रुपेश भाई ऊपर आ जाएं, गीता बहन जी भी आ जाएं। पर्वत ही से नवाए स्वागत में आपके, ये फूल मुस्कुराए हैं स्वागत में आपके। आध्यात्म ज्ञान चाहिए परिवर्तन के लिए, वो तोहफा प्रभु ले आए हैं स्वागत में आपके। पर्वत भी से नवाए की नई सदी की नव किरणे है बांटता। फिर अरावली से ज्ञान का सूरज है झांकता, नव युग की नई सदी की नव किरणे है बांटता। मूल्यों का हार लाए स्वागत में आपके, ये फूल मुस्कुराए हैं स्वागत में आपके। पर्वत भी से नवाए भगवान के अभियान में आगवा है आपका। अनगिनत हृदय में ऊंचा है स्थान आपका। भगवान के अभियान में आगवा है आपका। अनगिनत हृदय में ऊंचा है स्थान आपका। ये दीप हम जलाए हैं स्वागत में आपके, ये फूल मुस्कुराए हैं स्वागत में आपके। पर्वत भी से नवाए हैं।
जग का गुरु बना कभी अपना ही देश है। ओम शांति में ही विश्व की शांति का संदेश है। जग का गुरु बना कभी अपना ही देश है। ओम शांति में ही विश्व की शांति का संदेश है। अनुभव ये गुनगुनाए हैं स्वागत में आपके, ये फूल मुस्कुराए हैं स्वागत में आपके, पर्वत भी सिर नवाए है स्वागत में आपके, ये फूल मुस्कुराए हैं स्वागत में आपके। वो तोहफा प्रभु ले आए हैं स्वागत में आपके, ये फूल मुस्कुराए हैं स्वागत में आपके। ओम शांति। आज के अगर कोई भी मन में बोझ है, चिंता है या किसी भी प्रकार का संकल्प है, वो शुभ संकल्प भी हो सकता है, कभी कभी हमारे शुभ संकल्प भी मन को बोझिल कर देते हैं। तो बाबा ने कहा मन को बोझ से रहित करके बेफिक्र बादशाह बन जाओ। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। अगर कोई भी बोझ है सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा के साथ, संपूर्ण निश्चय के साथ ऊपर वाले को सौंप देंगे, जहाँ हमारा वश नहीं चलता, सामर्थ्य शक्ति फेल हो जाती है, वहाँ उस सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तियाँ शुरू होती हैं। और शिव बाबा के डिक्शनरी में कोई भी असंभव नाम का शब्द है नहीं, केवल उसको सौंपने की बात है। तो दिल से सौंप दीजिए, तहे दिल से। इसी तरह सौंपिए जैसे अर्जुन का एक दृष्टांत दिखाते हैं कि महाभारत युद्ध में जब जयद्रथ वध करना था तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की जोश में आकर। कभी कभी हम भी जोश में आकर ना होश थोड़े से खत्म कर देते, काम नहीं लेते। तो प्रतिज्ञा ये की कि अगर सूर्यास्त से पहले मैं इसका वध नहीं कर दूं तो खुद जलती चिता को समर्पित हो जाऊंगा। सबके सामने खुली प्रतिज्ञा थी। वो भूल गए कि कौरव षड्यंत्रकारी हैं, वो भी रणनीति बैठकर बनाएंगे, जयद्रथ को संध्या काल तक तुम्हारे सामने आने ही नहीं देंगे, कुछ ना कुछ ऐसी नीति बना लेंगे। अब वो तो बोलकर चले आए, लेकिन श्री कृष्ण बहुत चिंतित है उस टाइम पर, सोच विचार चल रहा उनका, क्या कराए ये जोश में, कैसी प्रतिज्ञा कराए, क्या होगा कल। रात हो गई है लेकिन उनको नींद नहीं आ रही, वे घूम रही हैं, विचार कर रही हैं, कल के बारे में सोच रही हैं। तो उनको लगा जब मेरी ये स्थिति है, मेरे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो अर्जुन तो सोया भी नहीं होगा, उसको तो कल बड़ा भारी युद्ध करना है, तो चलू जाकर के उससे मिलूं। उनके विश्राम गृह में जब पहुंचते हैं श्री कृष्ण, तो देखते अर्जुन तो बड़े सुकून की नींद सो रहे हैं, बड़ी मीठी नींद सो रही है घोड़े बेच करके।
श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य लगा मेरी सोच सोच के कल के बारे में, ये स्थिति हो गई और ये बड़े आराम से सो रही है, इनको कल का कोई फिक्र नहीं, कोई रणनीति बनाई नहीं बनाई, ऐसे ही सो गए आकर के। उन्होंने उनको जगाया, पूछा वत्स तुम्हें कल के बारे में जरा भी तनिक भी चिंता नहीं? तो अर्जुन ने मुस्कुरा करके कहा, कान्हा जिसके बारे में रात को जाग जाग कर आप सोचते हो, उसे भला चिंता की क्या बात है, उसे जागने की क्या जरूरत है। समझे? अगर हम अर्जुन जैसी दोस्ती बाबा से कर लें, अपने सारे दिल का हाल उसको सुनाएं, उससे बांध ले प्रीत की रीत में, तो फिर हमारे लिए सोचने का भी काम कौन करेगा? हमें सोचना पड़ेगा। तो आज इसी बात को अगर लेकर चलेंगे कि बोझ तो देने हैं, पर देने से पहले वक्त को समझना है कि वक्त कौन सा चल रहा है, उसकी और हमारी विदाई का वक्त बिल्कुल सामने खड़ा है। और यूं सोच लीजिए कि दो युग, पूरे दो युग यानी कि 2500 वर्ष, 2.5 साल नहीं, 250 वर्ष नहीं, कितना हमने उसको प्राप्त करने के लिए क्या नहीं किया। अगर किसी ने कहा कि नंगे पांव हिमालय पर चले जाओ तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, हम वहां गए। किसी ने कहा कटरीली भूमि पर जाना पड़ेगा तो शायद राजी होकर साक्षात्कार करा दे, वो भी किया। किसी ने कहा तुम निर्जल उपवास रखो तो दया आ जाए, प्रसन्न हो जाए तो शायद दर्शन दे दे, वो भी किया। नींद को त्याग कर जागरण जगराते करो, प्रसन्न करो, महिमा करो, खुश करो, वो भी किया। पता नहीं कितने हवन तप यज्ञ तीर्थ यात्राएं, कितना 2500 वर्ष किए हैं हमने। अगर कोई हमें हमारे पूर्व जन्मों का साक्षात्कार करा दे तो पता चलेगा कि घर बैठे भगवान नहीं मिले हैं, जो हम सोचते घर बैठे मिल गए। पूरे 2500 वर्ष की महान तपस्या, बड़ी गहन भक्ति का फल देने के लिए आज वो मेरे ही जैसे रूप को धर कर मेरे सामने मेरी तपस्या का फल देने आया है। ऐसे ही नहीं मिल गया किसी को। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हमें घर बैठे मिल गया, इजी मिल गया, इजी नहीं मिला। अब 2500 वर्ष की तपस्या के बाद आज वो मुझे मिला है तो क्या मैं उसे जाने दूंगी, ऐसे छोड़ दूंगी क्या? जिसके लिए इसी चाह में जन्मे की कहीं तो मिल जाए, और इसी चाह में जन्म जन्म मृत्यु को प्राप्त होती रही, फिर इसी चाह में जन्मी और इसी चाह में मृत्यु को प्राप्त होती रही, अब उसे इजीली छोड़ दूंगी कि जा बाय बाय, छोड़ देंगे क्या? क्या करेंगे फिर? क्योंकि विदाई का वक्त आ चुका है लगभग। इससे पहले कि फाइनल बाय बाय कर दे, बांध लो, तीसरा नेत्र खोलिए, समय को भांपिए और अब वो कर लीजिए जो मुझे करना चाहिए। सारी उलझनों से मुक्त होकर, सारे बंधनों को खोल कर, बांधने का वक्त है अब। और यदि ये समय मेरे हाथ से चला गया तो समझ लीजिए पूरे कल्प की बाजी मेरे हाथ से निकल गई। तो बहुत ही सीरियसली बांधने का वक्त है। और बांधेंगे कैसे? क्योंकि बांधने की बात मैं किसी साधारण आत्मा को नहीं कर रही हूं, त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिवान सर्वोच्च सत्ता को बांधने की बात हो रही है। इजीली तो नहीं बंधेगा, बंध सकता है क्या? नहीं बंधेगा। एक छोटा सा लल्ला नहीं बंध पाया यशोदा मैया से, भरसक प्रयास कर लिए, लोभ प्रलोभन दे लिए, सोने चांदी हीरो की जंजीरें ले आई, निकाल करके इनमें बंध जा दे, कितनी महंगी महंगी है। नहीं बंधा तो नरम नरम रंग बिरंगी प्रलोभित करने वाली रस्सियां ले आई, इनमें तो बंध जा, नहीं बंधा। हर रस्सी छोटी पड़ गई पर वो छोटा सा लल्ला बंधने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जिद है आज यशोदा मैया को
शक्ति फेल है, सामर्थ्य फेल है, प्रयास फेल है, पर एक मन में हट है कि आज का दिवस तो ऐसा है, चाहे मेरी सारे प्रयास फेल हो जाए, चाहे सारी सामर्थ्य फेल हो जाए, पर मैं तुझे बांध कर ही रहूंगी। और जब तक ऐसी हट हमारे और आपके अंदर पैदा नहीं होगी जैसी यशोदा मैया के अंदर हुई थी, तब तक हम भगवान को बांध नहीं सकते। ऐसी हट, ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, जैसा यशोदा मैया ने किया था। अब देखिए, जब लगा कि अब मेरा पार तो नहीं चल रहा, मैं तो किसी भी तरह से इसको नहीं बांध पा रही हूं, अब करूं क्या? लेकिन बांधना जरूर है, चाहे आज कुछ भी हो जाए, बांधना जरूर है, हट है। तो क्या किया फिर? समर्पण कर दिया, सर झुका लिया, अपने आप को अर्पित किया, बोला, देख काना, आज मैं तुझे बांधूंगी जरूर, ये मेरा प्रण है या प्रतिज्ञा है, लेकिन तू बंध नहीं रहा, अब तू बता दे तू बंधेगा कैसे। मैं तुझे बिना बांधे तो आज नहीं छोड़ने वाली, अब तू बता तू बंधेगा कैसे। अब जैसे ही समर्पण किया तो वो भी बंधने के मूड में आ गया। जब तक हम अपने मन बुद्धि को उसके सामने समर्पित नहीं करेंगे दिल से, तब तक वो नहीं बंधेगा। इसलिए पहली कंडीशन क्या है? समर्पण। और जैसे ही समर्पण किया तो बड़ा इजी वे बता दिया कि मैया फेंक दे रस्सियों को, इनसे थोड़ा ही मैं बंधूंगा। फिर कैसे बंधेगा? बोला, दिल में थोड़ा प्यार पैदा कर, होठों पे मुस्कुराहट ले आ, आंखों में वो प्यार दिखा दे, तेरे आंचल से बंध जाऊंगा मां, रस्सियों की तो जरूरत ही नहीं। कैसे बंधेगा? समझ में आया? भावना मई स्नेह की रस्सी से बंधेगा, जिसमें भावना भी हो स्नेह भी हो, ऐसी रस्सी से बंधेगा। और दोनों ही चीज कहां पैदा होती है? दिल होती है ना, दोनों दिमाग में पैदा होती है, स्नेह या भावना कहां पैदा होती है? दिल में है, सभी के पास दिल है, सभी के पास। तो इस दिल में वो स्नेह पैदा करिए, वो रस्सी पैदा करिए और दिल से बांध लीजिए। दिल से दिल का बंधन होगा, दिल से दिल बंधेगा। और ये बंधन ऐसा नहीं होगा कि 2-4 साल का होगा, 50-60 साल का होगा, ऐसा बंधन नहीं होगा। ये बंधन पूरे कल्प के लिए बंधेगा। जब जब मुझे सृष्टि पर उसकी जरूरत होगी, मैं इधर से आवाज लगाऊंगी और वो नंगे पांव दौड़ कर खड़ा हो जाएगा मेरे सामने पूरी मदद के साथ। ऐसा बंधन बनाने का ये सुंदर लिमिटेड मौका है हमारे पास, बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है हमारे पास सब। तो या तो और जगह बांध लीजिए या फिर उसको बांधने में तैयार हो जाइए। अब दो रास्ते हैं हमारे पास, या खुद बांध जाइए या फिर उसको बांध लीजिए। तो कंडीशन क्या रही? दिल में प्यार पैदा करो। बाबा कई बार कहते हैं मुरलियों में, बाबा को कौन से बच्चे पसंद हैं जी? दिमाग वाले? दिल वाले बच्चे पसंद हैं। तो बोझ सौंपने से पहले बाबा ने एक बहुत सुंदर कमिटमेंट हमसे किया है, आज मैं आपको बताऊं। ओपन वचन दिया है हमको, प्रॉमिस किया हम सबके, और वो भी 20,000 से 25,000 की सभा में खुला वचन दिया है, कोई कान में मंत्र नहीं फूका है, और डंके की चोट पर दिया है। अब आप बताइए, आप किसी को वचन देकर, प्रॉमिस देकर मुकर जाओगे क्या? शायद कलयुग में 60% लोग तो ऐसे होंगे जो अपने वचन पे आज भी कायम होते होंगे, जुबान दिए भाई हमने उसको, कुछ भी करेंगे, वचन दिया है, राइट? तो बाबा ने हमको वचन दिया है। कौन सा वचन दिया? बाबा ने कहा, बच्चे जब भी कोई मुश्किलात आ जाए, कोई संस्कार तुम्हें विवश करने लगे, कोई परिस्थिति तुम पर भारी पड़ जाए, उस वक्त तू घबराना मत,
बाजू में देखना मैं बैठा हूं, तू चिंता मत करना। और फिर परमात्म महावाक्य जिनको पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में किसी के काटने की सामर्थ्य शक्ति नहीं, उसने जो बोल दिया सो बोल दिया। वो इस ब्रह्मांड का पहला और अंतिम सत्य होता है, ना उसके पहले कुछ है और ना उसके बाद कुछ है। ऐसे महावाक्य जो खुद भगवान उवाच है, उसने बोला अगर ऐसी कोई परिस्थिति ऐसी कोई समस्या आ जाए तो विचलित मत होना, घबराना मत, बस दिल से कहना मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो। ये तरीका बताया मदद लेने का। और फिर उसका वायदा देखिए क्या है जो उसने ओपनली किया है। आप सबने भी देखा होगा सुना होगा क्या वायदा किया था, मेरे बच्चे बुलाए और मैं ना आऊं ये हो नहीं सकता, असंभव। बाबा बंधा है अपने बच्चों की मदद करने के लिए, ये उसका प्रॉमिस है, वायदा है, निभाएगा कि नहीं। लेकिन बड़ा चतुर सुजान है, वायदा तो कर लिया, निभाएगा 100 नहीं 200%, लेकिन वायदे में कंडीशन रख दी कुछ। अब देखिए जब हम भी किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, देखो ऐसा होगा तो फिर मैं ऐसा करूंगा, हमारे भी कुछ कंडीशंस होती है। हाँ ऐसी बात होगी ना, अगर इस तरह से होगा तो फिर ये मेरा वायदा मैं इसको पूरा करूंगा, लेकिन पहले मैंने क्या रख दी, कंडीशन रख दी ऐसा होगा तो। बाबा ने भी प्रॉमिस से पहले क्या कर दी, कंडीशन रखी है, दो स्पेशली कंडीशन रखी। क्या रखी मालूम है, इन्हीं उसी के ही शब्दों में उसकी कंडीशन छिपी हुई है, उसी के ही शब्दों में छिपी हुई है। पहली कंडीशन क्या है, बाबा ने क्या कहा मदद मांगने का तरीका जब बताया, दिल से, अंडरलाइन, दिल से कहना। ये कौन सी कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन। अक्सर करके आज तक हमने भगवान को भक्ति मार्ग में भी और आई एम वेरी सॉरी ज्ञान मार्ग में भी काफी हद तक दिमाग से यूज किया है, दिल कम दिमाग ज्यादा। और बाबा को पसंद क्या है, दिमाग से इंफॉर्मेशन राइट है, वो ज्योति बिंदु है, निराकार है, परमधाम का वासी है, हम आत्माओं का पिता है, युग परिवर्तन करने आया है, संगम युग चल रहा है, ज्ञान दे रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन ठीक है दिमाग से, पर रिलेशन कहां से। और अगर मैं रिलेशन दिमाग से बनाने चली तो आप यहां भी देख लीजिए, अगर कोई दिमाग से रिलेशन बनता है वो लॉन्ग टाइम चलता है क्या, उसमें स्वीटनेस होती है, स्वार्थ के बेस पे बनता है वो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है तो रिलेशन बनता है, और वो स्वार्थ एक दिन सामने आ जाता है, और जैसे ही सामने आता है वैसे ही क्या होता है, खत्म। तो इंफॉर्मेशन दिमाग से और रिलेशन कहां से, दिल से। तो पहली कंडीशन क्या है, दिल से। भक्ति मार्ग में भी हमने यही किया कि बिना भक्ति किए पूजा पाठ किए दिया बत्ती किए तो मैं जल भी ग्रहण नहीं करता, करती, नियम है मेरा ये। लेकिन दिया बत्ती कैसी होती है, वो हाथ में 5 अगरबत्ती है माचिस से और इतनी लंबी दिमाग में स्वार्थ की और कामनाओं की लिस्ट है, हे भगवान मेरे पति का कारोबार अच्छा चले, मेरे घुटने ठीक हो जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, घर में सुख शांति रहे, और ले पकड़ 5 अगरबत्ती। दिल से कि दिमाग से, दिल से कि दिमाग से। ऐसे तो मंदिर जाने का वक्त नहीं, लेकिन अगर मंदिर जाते हैं तो जितनी सीढ़ियां उतनी इच्छाएं, सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे एक के बाद दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा, कभी निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से मैं एक अगर बत्ती भी समर्पित नहीं कर सकती अपने इष्ट देव को, इष्ट देवी को। होता है क्या ऐसा, रियलिटी है, इसलिए भक्ति में शक्ति नहीं रही। और यहां भी देखिए फिर से क्षमा चाहूंगी, बाबा के बच्चों के लिए सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है मालूम है, योग। योग
वेरी टफ सब्जेक्ट, कुछ तो कहते बोरिंग लगता है, जिसको प्रभु प्रेम का रस नहीं लगा उसके लिए बोरिंग है, उसके लिए टफ है। जिसके मन में भटकाव की स्थिति है और एक बड़ी सूक्ष्म बात पापों का बोझ है, उसको क्या लगता है? थोड़ा टफ लगता है। बैठते हैं आकर के योग में, रेड लाइट है, गीत बज रहा है, हम बैठते बिल्कुल शरीर ऐसा होगा एकदम स्थिर, आंखें स्थिर, लेकिन मन इतनी दौड़ मचाता है कि कहाँ कहाँ घूम के आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मन मना भव तो होता ही नहीं। यहाँ से जाऊंगी सब्जी लेती जाऊंगी, गोभी की सब्जी बना लोगे, ये काम कर लूंगी, उसको फोन करना है, और फिर व्हाइट लाइट, हम शांति, हो गया योग हुआ। शरीर स्थिर करने की आवश्यकता थी कि मन को स्थिर करने की आवश्यकता थी? शरीर तो स्थिर करके बिठा दिया, लेकिन मन क्या कर रहा है? यहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर, सारा दिन की दिनचर्या बना दी मैंने शांति में बैठ के, लेकिन जहां मन जाना चाहिए था वहां, अच्छा चलो अभी समाधान चल रहा है, लोग सुनते हैं, कोई विघ्न आ गया, समस्या आ गई, अब तो योग करना ही पड़ेगा। सूरज भाई ने कहा 21 दिन भट्टी कर लो, अभी मैं योग कर रही हूं लेकिन मन में क्या लेके कर रही हूं? ठीक है, वो विघ्न विनाशक है, दुख हरता है, सुख करता है, बिगड़ी को बिनाने वाला है, मेरा है, हम उसके पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? ये भी कीजिए, परंतु केवल इसी के ही लिए योग करूं? अब सोचिए, केवल स्वार्थ और मतलब से ही मैं मेडिटेशन करूं, प्रभु मिलन करूं, तो ये राइट बात है? हैं? कोई कभी भी मेरे से मिलता हो, बात करता हो, मेरे पास आता हो, लेकिन कोई ना कोई मतलब लेके आता हो, कोई ना कोई स्वार्थ लेके आता हो, तो एक ना एक दिन तो मैं उसको भाप लूंगी ना, बड़ा मतलब ही है। बिना मतलब के कभी फोन नहीं करता ये, बिना स्वार्थ के तो कभी मिलने ही नहीं आता ये। एक बार, दो बार, दस बार तो पहचान लूंगी ना आखिर, वो नहीं पहचानेगा? नहीं पहचानेगा? यस या नो? पहचानेगा ना, पहचानेगा ना? तो क्या करना है? आप ये सब भी कीजिए, प्रयोग कीजिए, भट्टी कीजिए, विघ्न विनाशक भट्टी कीजिए, जो भी करना है कीजिए, अपने दिल की हाल सुनाइए, बोझ बताइए, जरूर बताइए, वो मेरा है, अपनों से नहीं शेयर करूंगी तो किससे करूंगी, कौन है मेरा फिर? लेकिन 24 घंटे में 10 मिनट, ज्यादा नहीं बोल रही मैं, समाधिस्थ होने के लिए नहीं कह रही हूं, कितना, 24 घंटे में 10 मिनट ऐसे निकालिए जब केवल उसके प्रेम में मग्न होने के लिए मैं बैठूं, जब उसको देखने के लिए, उसको निहारने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके रहस्यों को पहचानने के लिए, उसमें खोने के लिए, उसमें डूबने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए बैठूं। मन में ना कोई विकल्प हो, ना संकल्प हो, ना इच्छा हो, ना कामना हो, कुछ नहीं, केवल वो हो और मैं हूं, वो मुझे निहारे, मैं उसको निहारूं, वो मेरे प्यार में डूब जाए, वो मेरे में लवलीन और मैं उसमें लवलीन हो जाऊं, और देखने वाले को ये लगे कि ये वो है कि वो ये है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी लवलीन स्थिति 10 मिनट्स 24 घंटे में जरूर बनाइए, क्योंकि वो भूखा किसका है, और वो ही मैं उसको नहीं दे रही हूं, और यदि मेरी तरफ से मेरा भूखा परमात्मा तृप्त नहीं होगा तो मुझे कहां से तृप्त करेगा? इसीलिए अपने भाव से, अपने प्रेम से हर दिन उसका पेट भरिए। मेरी तरफ से मेरा भगवान किसी भी दिन भूखा नहीं सोना चाहिए, हर टाइम स्वार्थ नहीं, हर टाइम इच्छाएं नहीं, हर टाइम कामनाएं नहीं। आप उसको गौर से देखिए, उसके मनमोहक रूप को, उसकी सुंदरता को, उसकी असीम शक्तियों को, उसकी पूरी पवित्रता को, उसके तेजोमय प्रकाश को, जिससे तीनों लोक प्रकाशित है, बैठकर एक बार देखिए तो सही। और जितना मैं उस पर एकाग्र हो जाऊंगी, उसको देखना शुरू करूंगी, उसके लव में डूबना शुरू करूंगी, उतना मुझे उसके रहस्य नित्य नए सामने आने लगेंगे।
एक नया रहस्य खुलकर सामने आएगा उसका, उसको मैं जानना शुरू कर दूंगी। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे तुम भले ज्ञान में 25 साल से चलते हो, लेकिन मैं जो हूं जैसा हूं अभी तक मुझे अपरंपार है, वो सागर है, जितना डूबेंगे उतना मिलेगा, ऊपर ऊपर से तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए डूबिए, मोती लाइए निकाल करके, ठीक है। तो पहली कंडीशन कौन सी? दिल से क्लियर हुआ। सेकंड कंडीशन, दिल से कहिए, क्या कहिए? दूसरी कंडीशन, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, एक तो दिल से और दूसरा कौन? मेरा। ऐसे तो ब्राह्मण परिवार की एक प्रथा है, तुम भी मेरा बोलते हो, मैं भी मेरा बोलते, क्यों बोलते? सब बोलते हैं, पर मेरा मतलब क्या? केवल बोलने के लिए मेरा या प्रैक्टिकल मेरा? आज रियलाइज करना है मुझे, ये जो मेरे अपने हैं क्या उसी लिस्ट में मेरा बाबा भी है? क्या मेरे बाबा के प्रति वही कर्तव्य, वही फर्ज, वही प्रेम, वही भावना है जो मेरे अपनों के लिए है? और यदि नहीं तो फिर लाख मुंह से कहिए मेरा, वो मेरा नहीं है। तो एक तो उससे मेरापन बढ़ाते चलना है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्यों कहा मुझसे मेरापन बढ़ाइए? एक तो ये लॉजिक है कि मेरों को इमीडिएट मदद मिलती है, तत्काल, परायों को नहीं। आपके घर में आपका कोई प्रियजन सो रहा है गहरी नींद, 12-1 बज रही है और वो जोर जोर से चिल्ला के आपको पुकारने लगे, आप रजाई ओढ़ के बड़ी मीठी नींद सो रही हो, लेकिन जब बाजू से पुकारने की आवाज आई तो क्या करेंगे? प्रैक्टिकल बात करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे हम? रजाई फेंक देंगे, ना ठंडी देखेंगे, घुटने में भी दर्द है तो सामर्थ्य से तेज भागेंगे, क्यों पुकार रहा है, क्यों चिल्ला रहा, क्या हो गया, ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर ये पुकारने की, रोने की, चिल्लाने की आवाज पड़ोस से आए तब क्या करेंगे? जो तकिया कान के नीचे है ना ऊपर आ जाएगा, डिस्टर्ब कर रहा है रात को, और कान को दबा करके और रजाई तान के सो जाएंगे। उसके लिए भागेंगे मदद के लिए, किसको मदद मिली? मेरे को मदद मिली। और यही सत्य है कि मदद मेरों को मिलती है। अगर परमात्मा की मदद चाहिए तो उससे मेरापन बढ़ाइए, इमीडिएट तत्काल मदद मिलेगी। अगर दूरियां होंगी तो मदद रिसीव नहीं कर पाएंगे हम उसकी, मदद आने में देर हो जाएगी, दूरियां जहां वहां देर, तो नजदीकियां, मेरापन। और एक बात मैं आपको यहां सत्य बता देती हूं, बिल्कुल सत्य है, आप मेरे से स्टैंप पेपर पे लिखवा के ले लो, डंके की चोट पे बता रही हूं कि अगर तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में, चारों युगों में जिसको मैं मेरा कह सकती हूं, अगर कोई मेरा है, रियल में मेरा है, तो स्टैंप पेपर पे लिख के ले लो, वो सिर्फ ऊपर वाला है, बाकी यहां सब ब्रह्म है। केवल हिसाब किताब चुक्त करने का नाता है, कोई अच्छा लेने आया है और कोई देने आया है, यहां केवल लेन देन के मेरे हैं। जिस दिन ये लेन देन कंप्लीट होगा उस दिन क्या होगा सोचिए, मेरा मेरों के साथ जिस दिन हिसाब किताब कंप्लीट होगा तो उनका रास्ता इधर और मेरा रास्ता, फिर कोई जानेगा? आज मेरी आयु 40 वर्ष है, 41 वर्ष पहले कहां थी मैं? आपको पता है जब मैं थी आज से 50 साल पहले, जहां मैं थी वो मां मुझे इतना प्यार करती थी, अपनी नैनों में समा के रखती थी, मेरा भाई उसके सर की ताज थी, बाप की लाडो थी, पर कौन थे वो? कौन थे वो? नहीं, कौन थे वो आज मुझे पता है, आज मैं यहां से चल बसूं इनका पता रहेगा ये कौन है? केवल यहां कार्मिक अकाउंट सब लेने देने
और जिनसे हमारे ज्यादा कार्मिक अकाउंट है ना, उन्हीं से मेरे घनिष्ठ रिलेशन है, वही मेरे हैं। और जिस दिन ये खत्म होंगे उसका रास्ता इधर होगा और मेरा, फिर मैं उसको जानती भी नहीं वो कौन है। हम कहीं जा रहे थे तो एक बहुत अच्छा शमशान घाट था एक जगह, हम गुजरात में गए, हमने कहा यहाँ क्या फेमस जगह है, कौन सी क्या फेमस है यहाँ का, बोला शमशान घाट। उतना नहीं नहीं वहाँ तो नहीं जाना हमको, कहते नहीं बहन जी यहाँ का शमशान घाट बहुत ही बढ़िया है, मरने को मन करता है इसे देख के। अच्छा तो उसके बाहर से निकल रहे थे, एक बड़ी मोटी लाइन लिखी हुई थी एक शमशान घाट के आगे, मेरे चार भाइयों जो अर्थी पे लेके जाते हैं, आप हमें यहां तक छोड़ने आए, आपका लाख लाख शुक्रिया। मैंने जो बाजू में एक बहन बैठी थी उसको मजाक में कहा कि एक लाइन और लिख दी जाए इसके नीचे कि जो मुझे यहां तक छोड़ने आए हैं, कंडीशन ये है कि वो वापस नहीं जाएंगे, मेरे साथ आगे चलेंगे। अब आप दिल पे हाथ रख के देखिए प्रैक्टिकल, किसी का कितना भी प्रियजन क्यों ना हो, इस कंडीशन को कोई फॉलो करेगा? अगर ये लागू हो जाए कोई फॉलो करेगा? पता चल गया कैसे मेरे हैं, मालूम पड़ा मेरे कैसे हैं सामने से। अच्छा जिसे हम छोड़ के आए हैं शमशान घाट में, छोड़ के आ गए, उसको जला करके आ गए, और आकर घर में वो हमें चलता फिरता दिखाई देने लगे तो फिर क्या होगा? जब तक वो घर से बाहर नहीं होगा हम घर में एंटर नहीं होंगे, ये है रियलिटी, फैक्ट, सच्चाई। चार दिन पहले तो वो नजर का चिराग था मेरे, नूर था, जिगर का टुकड़ा था मेरा अति प्रिय, लेकिन आज अगर वो चलता फिरता भी दिख गया तो क्या करेंगे फिर? तो ये केवल हिसाब किताब कार्मिक अकाउंट का ही लेखा जोखा है, जिस दिन पूरा होता है हिसाब किताब उस दिन तेरा रास्ता और मेरा रास्ता अलग अलग। ऐसे पता नहीं कितने जन्म ले आई, कितने संबंधों में बंधाई, कितने माता पिताओं को पीछे छोड़ाई, वे साथ नहीं है ये भी साथ, यही सृष्टि का नियम है, यही सृष्टि का नियम है। परंतु वो 200 साल पहले भी जब मैंने उसको पुकारा था तो उसने मेरे आंसू पहुंचे थे, आज भी मैं उसकी तरफ देखती हूं, हजारों वर्षों बाद भी वो मेरा होगा, चाहे शरीर जन्म कितने भी ले लूं, वो मेरा था, मेरा है और सदा मेरा रहेगा, उसमें हेर फेर अदल बदल नहीं हो सकती। है कि नहीं मेरा? कौन मेरा? अब रियलिटी बताइए कौन है मेरा? 200 साल पहले भी था, आज भी है, हजारों वर्षों बाद भी रहेगा, युगो युगो का साथ है, जन्म जन्म का तेरा और मेरा, ये तो टूटे भी नहीं टूटता, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। और मैं कैसे अपनों की बात करती हूं कलयुग में, कैसे अपने कलयुग में है कोई? 100 में एक फैमिली होगी जो अपना फर्ज कर्तव्य निभाते हैं, नहीं तो हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं। एक माता इंदौर की जिसने अपनी किडनी अपने बच्चे को दे दी, विधवा माता, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बिजनेस करा के दिया, बच्चे की किडनी खराब हुई तो अपनी एक किडनी निकाल के दे दी, और वो बच्चा अपनी वाइफ के कहने में आकर के उस माता को कूट रहा है, पीट रहा है, ठोकरे मार रहा है, घर से बाहर निकाल के फेंकाया है, ये मेरे है। और हर घर की कहानी है, किसी की छुपी हुई है और किसी की, लेकिन मैं आज यहां से आपको एक बहुत सुंदर मैसेज जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए बड़ी शान की बात होगी कि जो भी यहां छोटे बैठे हैं अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, इज्जत दीजिए उनको। चलो आज वो कुछ करने के हालत में नहीं है, लेकिन उनके पास आज भी एक चीज है जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, वो है दुआएं, उनसे वो लीजिए सुबह शाम। और जो बड़े बुजुर्ग बैठे उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा ली है, अब अपने बच्चों को करने दीजिए,
और आपका टाइम आ गया है प्रभु प्रेम में मग्न होने का। अब ज्यादा से ज्यादा वक्त बाबा को याद कीजिए, सेवा कीजिए, कुछ मुरली पढ़िए, बच्चों को फ्री छोड़ दो, अपना प्रेम, अपनी छत्र छाया, अपना आशीर्वाद, अपने दुआएं बनाए रखिए। यहीं से हमारे घर मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे, यहीं से हमारे घर में स्वर्ग आ जाएगा। दोनों को थोड़ा सा टिकोने की आवश्यकता है, ठीक है ना? छोटों को भी और थोड़ा सा, नहीं तो पैर कब्र में लटक रहे लेकिन चाबी का गुच्छा नहीं छूट रहा हाथ से, ऐसा नहीं। कर लिया ना बहुत कुछ, सौंप दीजिए। अभी तो हमारा ध्यान कहाँ लगना चाहिए? बहुत सुंदर वक्त मिला है, सफल कीजिए इस वक्त को, काहे की उलझनों में खुद को उलझाना। तो ये दो कंडीशन जब मैं अप्लाई करूंगी तो वो मदद ना करे, ये हो नहीं सकता। तो केवल कहने के लिए नहीं, कहने के लिए नहीं। जैसे एक माताजी बहुत ही निश्चय बुद्धि सेवाधारी, एक दिन उनको बुखार हो गया और साथ में वहां सूरज भाई का बट्टी भी थी। बहन जी ने कहा आ जाओ जल्दी जल्दी, कुछ सेवा भी करिएगा और क्लास में अटेंड कीजिएगा। नहीं आज तो मुझे बहुत तेज बुखार, रियली में उसको बुखार था, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, हेडक बहुत है, चक्कर आ रहे हैं। बहन जी ने कहा कुछ गोली वोली लेके आ जाइए ना, ये मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। नहीं बहन जी बहुत ज़्यादा बुखार है, और नो डाउट उसको था। लेकिन देखिए आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, हम भगवान से कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो माता घर में अकेली थी, उसके दो छोटे छोटे बच्चे स्कूल गए हुए थे। दो तीन घंटे के बाद वो बच्चे आते हैं और मम्मी से कहते हैं, मम्मी हम सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गए थे, हमको भूख लगी, हमें अब खाना दो। बहुत सारी माताएं बैठी हैं मेजोरिटी। अब फिर से प्रैक्टिकल पे आते हैं, अब बताइए आप क्या करेंगे? बुखार है आपको, चक्कर आ रहे हैं, सिर में बहुत तेज दर्द है, क्या करेंगे फिर आप? बना लेंगी ना? जब मेरा सामने था तो मैंने दर्द से, चक्कर से, बुखार से क्या कर लिया? कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन जब बाबा सामने आया था तब क्या किया था बताइए? जब बाबा की बात सामने आई तब मैंने क्या किया था? एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज लगाए थे, बहाने पर। लेकिन जब मेरे सामने आए तो मैंने हेडक, बुखार, सिर दर्द, चक्कर से क्या कर लिया? कॉम्प्रोमाइज। में खड़ी हो गई, मैंने पैरासिटामोल ली, चाहे सिर पे पट्टी बांधी, चाहे मैंने मैगी क्यों ना बनाई, पर बच्चे को भूखा। अगर ये होते हैं मेरे, तो अब यहां देखेंगे बाबा को मैंने मेरे की लिस्ट में शामिल किया कि नहीं। काश हिम्मत का एक कदम मैं बाबा के लिए उठा लेती तो वो वैद्यों का वैद्य बिना मेडिसिन का आपका बुखार ना उतार देता तो फिर कहना था। लेकिन बात क्या है, हमारा वो हिम्मत का कदम एक ही नहीं उठ पाता है, और वो हिम्मत का कदम जब तक नहीं उठेगा तब तक हम उसके मदद के चमत्कार अनुभव नहीं कर सकते। कंडीशन यही है कि तुम एक कदम तो उठाइए, कम से कम सिर्फ हिम्मत करके एक कदम उठाइए, बाकी मुझ पे छोड़ दो, बाकी मैं हूं ना फिर संभालने के लिए। तुम्हारा एक कदम और फिर हजार मदद के कदम, और बस इसी में हम चूक कर जाते हैं कि पहला ही कदम उठा नहीं पाते और सुंदर से सुंदर मदद के चमत्कारों से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि जब भगवान मदद करते हैं ना तो वो चमत्कार ही बनते हैं। अनुभव हर एक के लिए क्या होता है? चमत्कार होता है। तो हिम्मत का पहला कदम तुम्हारा है और फिर मदद देखिए कैसे मिलती है, उसकी मिलती है कि नहीं। तो बात थी सौंपने की, सौंप दीजिए, और इस कदर सौंपिए कि कोई भी बात मन को चिंतित कर रही, कोई शुभ संकल्प भी होता, मान लीजिए बहनों का भी होता, भाइयों का हमको सेंटर बनाना है, बहुत सुंदर शुभ संकल्प है लेकिन वो बन नहीं पा रहा है तो वो भी बोझिल करता है कहीं ना कहीं मन को, है ना? कोई भी संकल्प मन में है किसी भी प्रकार का, समर्पित कीजिए उसको,
और इस तरह से कीजिए कि उसकी चिंता मत कीजिए। फिर समर्पित किया माना, लेकिन कोई भी चीज सौंपने के लिए क्या चाहिए होता है? भाई मैं अपनी कोई चीज आपको दूं या कोई बात आपको बताऊं तो किस बेस पे बताऊंगी, क्या होना चाहिए मुझे? विश्वास, निश्चय। बिना विश्वास बिना निश्चय अजनबी आदमी को तो मैं कुछ नहीं बोल सकती ना। मुझे आपकी जान पहचान है, मुझे आप पे फेथ है, ट्रस्ट है, विश्वास है, तो ही तो मैं कुछ शेयर करूंगी आपके साथ या ऐसे ही कर लूंगी। और सौंपने की बात जब आती है तब तो बहुत ज्यादा विश्वास चाहिए होता है। तो सबसे पहले जो सख्त आवश्यक निश्चय बुद्धि डिमांड है। और मैं आपको बताऊं, कल तक बाबा ने मुरलियों में कहा था अंतिम परीक्षा बड़ी शॉर्ट लेकिन बड़ी टफ, बड़ी हार्ड होगी, शॉर्ट होगी, ये प्लस पॉइंट है मेरे लिए, लेकिन होगी कैसी? टफ। क्योंकि ये परीक्षा वो परीक्षा होगी जो मुझे कल्प कल्प का विजयी बना देगी या कल्प कल्प मेरे हाथ से निकाल देगी। और वो कौन सी परीक्षा? निश्चय की परीक्षा। और ये सीक्रेट मैं आपके सामने खोल रही हूं कि ये परीक्षा लेनी उसने शुरू कर दी है। कभी भी कहीं भी किसी के भी निश्चय की परीक्षा हो सकती है। क्या इरादा है कानपुर वालों का, फेल या पास? आप देख लीजिए, मैंने बोला शॉर्ट प्लस टफ, भ्रम में नहीं रखना है। शॉर्ट होगी लेकिन कैसी होगी? एक बार तो ना ऐसे ऐसे हो जाएंगे और ऐसे ऐसे भी करते रहे, तू मेरा है, तू मेरा रहेगा, तो फिर निश्चय बुद्धि विजयी। और लेकिन है भी कि नहीं, ये हो क्या रहा है, ये आ क्यों नहीं रहा आजकल, तो संशय बुद्धि क्या होगा? यही का यादगार है, शंकर ने पार्वती की कैसी कैसी परीक्षाएं ली। देखिए, रूप बदला, भाषा बदली, बदली कि नहीं बदली, जुबान बदली, स्थान बदला, ढंग बदला, लेकिन पार्वती की पारखी बुद्धि ने हर बार उसको पहचाना और वो हर बार क्या होती चली गई। और सौभाग्य क्या मिला फिर? शिव को वरने का। अब वरमाला हाथ में ले रही है, शिव के सामने गई और जैसे ही माला लेके सामने गई तो त्रिलोकी नाथ का सर क्या हो गया, तो जो विजयी होंगे उसके सामने नतमस्तक होगा खुद सर्वशक्तिमान, झुक जाएगा। और ये हो गया असली बांधना उसको। तो ये परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। अब कैसा मेरा होना चाहिए? निश्चय। देखिए, वैसे तो हम भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते, उससे पंगा नहीं लेना चैलेंज करके, क्योंकि सर्वशक्तिवान है भाई, उसको हम कोई चैलेंज दे सकते हैं क्या? असंभव, दूर से ही नमस्ते, चैलेंज नहीं। लेकिन यदि बात मेरे विश्वास की है और वो भी उस पर है, ध्यान से सुनिएगा, बात मेरे विश्वास की है और वो भी उस पर है, तो इस बात को लेकर क्या मैं उसको चुनौती दे सकती हूं? हाँ या ना, अब बोलिए। हाँ दे सकते हैं, क्योंकि अब बात मेरे हाथ में है, विश्वास मेरा है, तो मैं मेरे विश्वास पे विश्वास रख करके उसको चुनौती नहीं दे सकती कि तुझ में भी अब इतनी ताकत नहीं कि तेरे ऊपर से मेरे विश्वास को तू डगमगा कर सके। ऐसा कॉन्फिडेंस है अपने अंदर जी, जिसके अंदर है हाथ खड़ा करिए, दे सकते हैं? बिल्कुल। मैंने उसको कितनी बार अवतरित होते देखा है, मैंने कितनी बार उसके महावाक्यों को इन कानों से सुना है, मैंने 18-18 घंटे एक रस स्थिति में उसको, उसके दिव्य स्वरूप को निहारा है। आज नहीं आ रहा, आज परीक्षा ले रहा है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं वो रूप क्यों भूल जाती हूं जो मैंने उसको हजारों बार देखा, राइट? और दिखने को तो वो दिख जाए, बस तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए। आप सिर्फ दिल से बोलो बाबा आपकी बाजू में खड़ा हुआ नाम मिला तो बताना फिर, लेकिन देखने के लिए क्या चाहिए? वही मिलेगा, वही मिलेगा, यही तो विश्वास है।
यही निश्चय है और यही विजय दिलाएगा। तो मेरा निश्चय, मेरा विश्वास बाबा पर ऐसा हो कि मेरे विश्वास के सामने उसका सिंहासन तो डामाडोल हो जाए, लेकिन मेरा विश्वास अटल। और एक बार तो मैं उसको ऐसा विवश कर दूं, ऐसा विवश कर दूं कि वो भी सोच में पड़ जाए कि अगर इस बच्चे के विश्वास की लाज नहीं रखी गई तो दुनिया में मेरे ऊपर विश्वास करना ही बंद कर देंगे लोग। ऐसा गजब का विश्वास आप बाबा पे बनाइए कि वो खुद विवश हो जाए आपके विश्वास की लाज रखने के लिए। जैसे एक छोटा बच्चा हमारे हाथ में होता है, गोदी में होता है 5-6 महीने का, कभी कभी देखिए आप सब माताएं बैठी हैं, बच्चा इतना इरिटेट हो जाता है, ना खाने से मानता ना खिलौने से मानता, रोता रहता है, इरिटेट होता रहता है। अब उस पर एक फार्मूला अप्लाई किया जाता है, हवा में उसको उछालते हैं, है ना, क्या होता है 2-4 बार उछालने से वो कितना भी इरिटेट हो ना किलकारी मार के हंसता है। जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता ने भी उछाला था, हमको भी उछाला था, तुम खुश होते थे, इंजॉय करते थे, भरपूर किलकारी मार के हंसते थे, बड़ा मजा आता था। ठीक है, आपने देखा एक तरफ रिस्की सिचुएशन है, वेरी रिस्की, और एक तरफ बच्चा इंजॉय कर रहा है रिस्की सिचुएशन को। 1%, 0.5%, 0% यदि वो हाथ से छूट जाए तो डेथ भी हो सकती है उसकी, गहरी चोटें लग सकती है उसको। पर वो नादान बच्चा रिस्की सिचुएशन को जी भर के एंजॉय कर रहा है और मनसा क्या है, वंस मोर, करते रहो, मजा आ रहा है। ऐसे ही हम नादान से बच्चे बन जाएं, छोटे से, और सौंप दें। मैं फिर से क्या कह रही हूं, छोटे से बच्चे बन के अपने को सौंप दो पूरे विश्वास के साथ, जो तीनों लोगों को थामे बैठा है वो मुझे भी गिरने नहीं देगा, ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास। लेकिन बनना क्या पड़ेगा, अब छोटे ही बच्चे को उछाला जा सकता है, कोई अभी आपको कहे कि हम आपको उछाल दे तो क्या करोगे? और यदि बच्चा हाथ में से बाहर निकलने की कोशिश करे तो हम उसको उछाल रहे पर वो हाथ में से बाहर, तो हम उसको उछाल और वो इंजॉय, तो पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा, सौंपना। वो इंजॉय किस बेस पे कर रहा है बच्चा, उसे भरोसा है, उसे विश्वास है, कुछ भी हो जाए ये हाथ मुझे गिरने, बस ऐसा ही भरोसा बाबा के लिए रखना है, सिचुएशन कैसी भी हो ये मुझे गिरने नहीं देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चलते चलते, क्योंकि परीक्षाएं आ रही है, मैं आपको बताऊं, आएंगी और सबके पास आएंगी, क्लियर है पेपर, और देखिए हमारा एग्जामिनर कैसा है कि कितनी बार पेपर आउट किया हुआ है, और उसके बाद भी हम फेल हो जाएं, पेपर आउट हो चुका है बहुत बार और फिर भी हम फेल हो जाएं, तो पेपर तो आएगा, क्यों आएगा, एक बात समझेंगे। मार्च महीना आता है साल में, क्या होता है उसमें, क्लोजिंग, जितने भी ऑफिस होते हैं, कार्यालय होते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, क्लोजिंग का टाइम होता है मार्च महीना। यूं समझ लो कि संगम युग पे हम मार्च महीने में आ गए हैं, ऐसे कागार पर आकर खड़े हो गए जब सब आत्मा की यहां क्या होगी, क्लोजिंग, पिछले कल्प का लेखा जोखा खत्म और नया 1 अप्रैल से नया क्या हो जाता है, शुरू। तो ये क्लोजिंग ध्यान में रखिएगा। अब जब आत्मा की क्लोजिंग होगी तो कभी अच्छे कर्मों का प्रभाव सामने से निकलेगा, वो तो बहुत अच्छा है, सब गुड करके जाएगा, लेकिन जब मेरे ही द्वारा किए गए नेगेटिव कर्मों का प्रभाव मेरे सामने से निकलेगा तब क्या, तब क्या होगा, तब ये होगा कि मेरी सोची हुई बातें पूरी नहीं होगी, मैं अच्छा करना जाऊंगी, मैं सोने को भी हाथ लगाऊंगी तो मिट्टी बनेगा, उलट पुलट, क्योंकि समय साथ नहीं दे रहा, समय मेरे लिए अभी उचित नहीं है।
ये बात मुझे समझनी है, ना कि बाबा पर डाउट करना है। होता क्या है, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई, बाबा ऐसा क्यों हो गया, बाबा ने नहीं किया, मेरी ही कर्म गति मेरे सामने से गुजर रही है। जरूरत है उस समय पेशेंस की, बहुत 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 जरूरत है अब इसकी, इसे कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो अति जल्दी पेशेंट बन जाएंगे। पेशेंस, धैर्यता, बाबा का वो गीत कानों में गूंजना चाहिए उस टाइम जो साकार मुरलियों में बजता था, धीरज धर मनवा, धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज का फल कैसा होता है, फिर खाने में क्या तकलीफ है, अप्लाई कीजिए ना, वो कड़वा तो नहीं है ना, अप्लाई करना चाहिए ना हमको। और देवताओं का गुण है, दिव्य गुणों में एक गुण है धैर्यता, हम इसे आप कस के पकड़ ले, अपने को यहां से विचलित ना होने दे, सपोर्ट देंगे पेशेंस की और अच्छा लड़ोल खड़े रहेंगे, वेट एंड वॉच। थोड़ी ही देर में वो कर्म गति का टाइम पूरा होगा और सुनहरा सूरज फिर से चमकेगा। उस समय बल्कि और आवश्यकता होती है कि हाथ तो पकड़ा है मैंने, पर और कस के पकड़ लूं, योग तो करती हूं पर और ज्यादा करूं, सेवा तो करती हूं पर उस वक्त आवश्यकता होती है एक्स्ट्रा पुण्य जमा करूं, ना कि विचलित हो जाऊं, ना कि संशय में आ जाऊं, क्योंकि संशय केवल विनाश ही करेगा, उसका दूसरा कोई रूप नहीं है। उस समय अगर कोई ऐसा समय चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म कीजिए, तत्काल पुण्य कीजिए, क्योंकि जैसे ही पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा तो पाप का प्रभाव क्या होगा, डाउन हो जाएगा, और उसकी वजह से जो कष्ट भोगनाएं आ रही है वो क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा योग कीजिए, बाबा का साथ कस के पकड़िए और साथ में पुण्य कीजिए, विचलित नहीं, संशय नहीं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने इतना योग कर लिया, इतने भोग लगा दिए बाबा को, बाबा तो बेरा हो गया, सुनता ही नहीं हमारी, क्यों नहीं सुनता। कभी कभी जब कर्म गति हमारे सामने से निकल रही होती है नेगेटिव, तब हमारी सुनवाई नहीं होगी। क्लियर शब्दों में सुन लीजिए, क्योंकि जब हमारी कर्म गति सामने आती है तब भगवान इंटरफेयर नहीं करते, बिल्कुल साक्षी हो जाते हैं, बिल्कुल साक्षी। और कभी कभी उचित समय नहीं होता सुनवाई के लिए, अगर सुन भी लिया और समय मेरे फेवर में नहीं है, समय उचित नहीं है, पाप का प्रभाव सामने से गुजर रहा है, तो शुभ की बजाय क्या हो जाएगा, और आजकल यही हो रहा है, शुभ नक्षत्र देखे, कुंडलियां मिलवाई, शुभ समय में सब कुछ किया, प्रसादी 2 महीने नहीं टिकी, सब गलत हो गया, सब व्यर्थ हो गया, खत्म। सोचा था किसी ने कि ऐसा हो जाएगा, कर्म गति समय फेवर में नहीं है। इसीलिए कभी कभी हमारी सुनवाई किस लिए नहीं होती, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आपका घर में बच्चा है, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है, आपको पता है इसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप वीकेंड में उसकी फेवरेट आइसक्रीम उसको खिलाते बिना कहे। फिर से प्रैक्टिकल बात करेंगे, आज हमारी प्रैक्टिकल क्लास है, लेकिन आज बच्चे को खांसी है, जुकाम है, नाक बह रही है, गला बैठा है, और रो रो कर, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर वो आपसे आइसक्रीम मांग रहा है। पेरेंट्स बैठे ना मोस्टली सभी, अब कौन सा ऐसा मम्मी या पापा है जो ऐसी स्थिति में बच्चे को आइसक्रीम खिलाएगा, है क्यों, सुनाई नहीं दे रहा क्या, बच्चा चिल्ला चिल्ला के पुकार पुकार के आपसे मांग रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं खिला रहे आज आप उसको आइसक्रीम, जेब में पैसा नहीं है, आपकी सामर्थ्य ताकत नहीं है बच्चे को आइसक्रीम खिलाने की, रीजन क्या है, क्यों नहीं खिला रहे हो आज उसको, जी तबीयत ठीक नहीं है, और खिला दिया तो क्या होगा, तो ऊपर वाला भी तो इतना ही कर रहा है ना, बस जो आप कर रहे हो नीचे। आपने सुना अपने बच्चे का, सुना कि अनसुना कर दिया। जब समय हमारे फेवर में नहीं होता तो जैसे हमने अपने बच्चे का नहीं सुना ना, रो भी रहा है, कुसामदे भी कर रहा है,
नखरे भी दिखा रहा है, लेकिन सुन रहे हैं क्या? नहीं देंगे, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ना देने के पीछे रीजन क्या है? हम उसका भला चाहते हैं। ऊपर वाला भी बस इतना ही कर रहा है, उसको पता है कि यदि अभी इसी वक्त इसकी सुनवाई हो गई तो शुभ के बदले क्या हो जाएगा, कल्याण के बदले क्या हो जाएगा, क्योंकि समय उचित नहीं है, समय फेवर में नहीं है, पाप का प्रभाव अभी गुजर रहा है। अच्छा, फिर आप ये बताइए कि आपने आइसक्रीम खाने को पूरी जिंदगी के लिए कैंसिल किया कि डिले किया? क्या बोल रहे हो आप उसको, क्या बोल रहे हो? बेटा तुम ठीक हो जाओ, नेक्स्ट वीक एक के बदले कितनी है। और ऊपर वाला भी क्या कहता है, धीरज धर मनवा, धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन। कॉन्फिडेंस, विश्वास, वो भी कह रहा है बच्चे कैंसिल नहीं हो रहा है, केवल डिले हो रहा है, थोड़ा सा समय रुक जा, उचित समय आने दे। एक के बदले कितनी, दो। एक के बदले कितनी, उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी बस। और फिर वेट एंड वॉच, वेट एंड सी, देखिए क्या होता है। तो डाउट करने की बजाय क्या करेंगे, निश्चय को अटल बनाकर रखेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एक फोन आया भाई का, मैं बड़ी सभी जगह सुनाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल अनुभव है। समाधान शुरू हुआ था, एक साल डेढ़ साल बीता था, बॉम्बे से एक नए नए भाई का फोन आया, जो नया नया अभी बाबा का बच्चा बना है। तो तीन चार लोगों के पास फोन आते रहते, दो दो घंटे खोलते हैं, या मेल या मैसेज आते हैं। एक भाई ने कहा बॉम्बे के, मैं यहाँ पे घर लेना चाहता हूँ, नया नया बाबा का बच्चा हूँ, राजयोग में क्या ऐसी पावर है जो मुझे घर दिला दे यहाँ पे? तो हमने कहा राजयोग तो राजाओं का राजा है, जो चाहे कर सकते हो, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। बोला बहुत सारे कस्टमर है उसके, लेकिन चाहिए मुझे। हमने उनको जो भाई जी सिखाते हैं, कहा कि दो मास योग कीजिए, स्वमान का अभ्यास बताया और सब कॉन्शियस माइंड का अभ्यास बताया, कि आप फील कीजिए घर मिल गया है, आपके हाथ में रजिस्ट्री, आप ग्रह प्रवेश कर रहे हो, अभी से विजन देखिए, इंजॉय कीजिए उस घर को। और मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली 2 मंथ उसने योग किया 45 मिनट्स, और जिस दिन शुरू किया भोग लगाकर, बाबा को मीठा खिलाकर, शुभ संकल्प देकर शुरू किया, रोज डेली वो योग करता है 45 मिनट्स घर के लिए, स्वमान का अभ्यास, सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग। 2 महीने के बाद उसके पास फोन आया कि जो फ्लैट तुम लेना चाहते हो तो किसी और ने ले लिया। बिचारे का दिल टूट गया, आंख से आंसू निकल गए, बाबा की तरफ देखा भी नहीं, दिल शिकस्त हो गया, दुख इतना हुआ कि वो गुस्से के रूप में बाहर आया, और तो कहीं बस नहीं चली, समाधान में फोन मिलाया और फोन हमने ही उठाया। अब उसका हाई टेंपर था, दुख था, गुस्सा था, बोला जी देख लिए सब, कोई बाबा वाबा नहीं, कोई दम नहीं है बाबा वाबाओं में, सब देख लिए मैंने, मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद ब्रह्मा कुमारी आश्रम। टूट गया था बिल्कुल गुस्से में। हमने बहुत पूछा, कौन बोल रहे, कहां से बोल रहे, क्या बात हो गई, भैया बताइए तो फोन कट। थोड़ी देर तो हमारे भी संकल्प चले, क्या हो गया भाई, चलो बात भूल गई। बरसाती सीजन था, ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में ज्यादा से ज्यादा स्टेट में बाढ़ आई हुई थी, बहुत पानी गिर रहा था, शांतिवन में भी आ गई थी, टूट गया था नाला वगैरह। हम लोग जब बरसात होती है तो मेहमान कम होते हैं, तो न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं सुबह के टाइम, क्या हो रहा है दुनिया में, तो न्यूज़ देख रहे थे। 8 से 9 के बीच का टाइम था, 9:45 का टाइम था, हर चैनल पे एक न्यूज़ हाईलाइट हो रहा था उस दिन, बॉम्बे में हैवी रेन के कारण एक बिल्डिंग गिर गई, 30 लोग तो दबके मर गए, बाकी मलबे में दबे हुए हैं, बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी, और जो बिल्डिंग से बाहर थे वो बिल्कुल बेघर,
ना जन, ना धन, ना घर, कुछ नहीं है आज उनके पास। वो सड़क पर है, रोड पर, सब खत्म हो गया। बड़े उससे देख रहे थे, अरे ऐसा कैसा हो गया, इतना ऊंचा बिल्डिंग कैसे गिर गया। फिर फोन की घंटी बजी, देखिए, और लकीली तीसरी बार भी फोन हमने ही उठाया। हम एक तरफ न्यूज देख रहे थे और दूसरी तरफ हेलो भैया कौन बोल रहे हैं, कहता। अब देखिए उसका साउंड क्या था, वाह बाबा वाह, बचा लिया तूने तो हमें। बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल घटना में आपको सुना रही हूं। तो हमको समझा नहीं कि ये कौन बोल रहा है, हमने बोला भैया आप कौन बोल रहे, कहते बेंची घर वाला भाई। मैंने घर वाला भाई बोला, अरे वो जिसने घर के बारे में पूछा था अभी कुछ दिन पहले, उल्टा सीधा बोल दिया था ना बहन जी। अच्छा याद आया, अब हमारे मनचित में भी नहीं कि आगे ये क्या बात करने वाला है। हमने कहा क्या हुआ भैया, कहता बहन जी लाख लाख शुक्रिया बाबा का जो हमें वो घर नहीं दिलाया। क्यों, कहता आज सुबह ही वो बिल्डिंग गिर गई जिसमें मैं फ्लैट लेना चाह रहा था। मैंने कहा अच्छा वही बिल्डिंग है, वो हम न्यूज में देख रहे हैं। बोला वही बिल्डिंग है, अगर बाबा मुझ नादान की सुनवाई उस वक्त कर लेता तो मैं और मेरा परिवार आज जीवित भी होता पता नहीं। अच्छा किया जो मेरी सुनवाई नहीं हुई, अच्छा किया, लाख लाख धन्यवाद ऊपर वाले का। और बोला बहन जी ये जीवन आज से उसकी देन है, उसने मेरी जिद नहीं मानी। जब तक जीऊंगा ना बहन जी, ब्रह्मा कुमारी आश्रम तो नहीं जाना छोड़ूंगा। फिर मैंने भी, मुझे भी मौका मिल गया थोड़ा सा, तो मैंने बड़े प्यार से पूछा भैया एक बात पूछू। बोला क्या, मैंने बाबा ने दम दिखा दिया अपना, तो बोला हाँ दिखा दिया। मैंने जैसा वैसा तो नहीं है, कहता नहीं एक ही है बस, जैसा वैसा नहीं है, दम देख लिया ना बाबा का। तो कभी कभी अगर हमें ऐसा लगता है नहीं सुन रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, इतना योग लगा लिया, इतना कुछ कर लिया, समझ जाइए कोई ना कोई राज है। संशय हो बुद्धि होने की बजाय राज को समझिए, वो कल्याणकारी है। कभी भी अकल्याण, लाख सुनवाई कर लो नहीं सुनेगा जब तक कल्याण होने वाला नहीं होगा। और होगा जरूर, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो आज अपने घर में एक व्हाइट पेपर पे बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिख के चिपका लेना, मेरी विजय डिले तो हो सकती है पर कैंसिल हरगिज नहीं, मेरी विजय सुनिश्चित है। क्या है मेरी विजय सुनिश्चित है, वो डिले हो सकती है पर कैंसिल नहीं, क्योंकि मेरे सर पे किसका हाथ है, बाबा का हाथ है। ठीक है ना, बाबा का हाथ है मेरे सर पर। और कभी ऐसा लगे कि कर्म गति कुछ थोड़ी टाइट आ गई है, सामर्थ्य फेल हो रही है, अब झेलना मुश्किल हो। दो बहुत सुंदर मेडिटेशन की मैं आपको विधि बता के जाऊंगी, बहुत मनोरंजक है, बोरिंग नहीं है। और उससे क्या होगा, हमें एक मेंटल सपोर्ट मिलेगा बाबा की ओर से, एक स्थिरता मिलेगी, ऐसा लगेगा कोई है मेरे साथ, मुझे सपोर्ट कर रहा है। अभी आपने एक दिया जलाया बड़े प्यार से, दिया, लेकिन जैसे ही दिया जलाया तो एक हवा का झोंका आया, और जैसे ही हवा का झोंका आया तो आपने क्या किया, नेचुरली क्या करते हैं बताएंगे सभी एक बार। अच्छा दिया बुझेगा, हवा का झोंका आएगा तो तुम ऐसा कर लेना, ये किसने सिखाया, किसी ने सिखाया या अपने आप आ गया? कुछ चीजें ऐसी होती नेचुरल आती हैं, ये हमें कोई सिखाता नहीं है। यहां भी एक दीप जल रहा है, कौन सा दीप है, ये आत्मदीप है। अगर समस्याएं रूपी तूफान के झोंके से डगमगाने लगे तो अब क्या करो, इस दीप को यहां से निकाल के ले जाओ बाबा के सामने। अब क्लियर विजुअलाइज करो, ब्रह्मा बाबा को देखिए जो संपूर्ण अवस्था में है, साक्षात विष्णु रूप, फरिश्तों का बादशाह। उसके मस्तक में देखिए महाज्योति दिव्य जगमगाती हुई, इस संसार की सर्वोच्च महाशक्ति मेरे सामने, और मैं आत्मा दीप उसके
सामने। और बाबा क्या कर रही हैं, मुझ आत्मा की कैसे संभाल कर रही हैं, फील कीजिए कि बाबा ऐसे संभाल रही हैं। अब चाहे हवा चक्रवात बन जाए, ये सागर सुनामी ले आए, चाहे ये धरती फट जाए, किसी की ताकत नहीं जो मेरी लो को छू भी सके। है किसी की ताकत, कीजिएगा। दूसरा, बाबा का हाथ सिर पर 5 बार रखवाने की आदत डालो। आने वाले समय में यह आदत बहुत काम आएगी। एक कहावत है, जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है उसका कोई भी बाल बाका। इससे ये तो सिद्ध है इस कहावत से कि कभी तो भगवान ने हाथ रखा है। अगर हाथ ना रखता तो ये कहावत ना होती। और ये समय कब का है, केवल फोटो को देख के घूरो नहीं, देखिए ब्रह्मा भी है, जीता जागता चैतन्य और एक जादुई ज्योति, महाज्योति जिसको मैं नाम देती हूँ, जादुई है जो मुझे सुन सकता है, जो मुझे महसूस कर सकता है, स्पर्श कर सकता है, ऐसा ज्योति, जादुई ज्योति है वो। जब दोनों एक साथ आते हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से, बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनते हैं, महसूस करते हैं। वो है, वो फोटो ही नहीं है केवल, वो रियल में है, ये सच्चाई है। तो उस हाथ को केवल यहां ये नहीं कि बस हाथ रख दिया और हो गया, नहीं, उस हाथ को फील कीजिए, भगवान का हाथ का स्पर्श, उसका टच कैसा होगा, महसूस कीजिए कि अगर भगवान हाथ रख दे वो टच कैसा होगा, ये मुझे फील करना है। और देखिएगा कि उसका लाइट का हाथ मेरे सिर पे आते ही तेजस्वी प्रकाश मुझ में भरने लगा और मुझ में भरकर मेरे चारों तरफ एक शक्तिशाली ओरा क्रिएट हो गया है प्रकाश का। अब ये ओरा मेरा सुरक्षा कवच, इसमें कोई भी बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, कोई भी विल सोल, किसी भी प्रकार की कोई भी बात एंटर नहीं हो सकती, पूरी तरह सुरक्षित हूं मैं। और फिर फील कीजिए कि बाबा के हाथ से मुझे कितना अपनापन मिल रहा है, जैसे मेरे जन्म जन्म की थकान उतर रही है, उस हाथ को फील करते हुए रखवाना है। और फिर उस हाथ का आप चमत्कार देखिए, चमत्कार होंगे जीवन में, मैं आपको गारंटी से बोल रही हूं, चमत्कार। कितनी बार रखवाएंगे, 5 बार, ठीक है ना। ये 2 मेडिटेशन की विधि, सुबह उठते हैं हमारे बच्चे अगर हमें नमस्ते करते तो हमारा ऑटोमेटिकली हाथ कहाँ जाता है, अब बाबा कौन है, केवल गाने के लिए तुम मात पिता हम बालक तेरे, या वो वास्तव में मात पिता है हमारा। बस फर्क इतना है कि यहाँ शरीरों के मात पिता हैं और वो, लेकिन मात पिता है, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे यहाँ के मात पिता के दिलों में अपने बच्चों के प्रति प्रेम भावना होती है ना, उससे कहीं जाता उसके दिल में है, उसका सीना भी मात पिता वाला है, उसकी भावना भी मात पिता वाली है, केवल मुझे वो फील करनी है नजदीकियां बनाकर। प्रॉब्लम क्या है कि दूरियां है, दूरियां हैं ज्यादा, वो दूरियां खत्म करके क्या करें, जैसे ही नजदीकियां बनेगी सब फील होने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि यही मेरा है, अंदर से निकलेगा प्रभु प्रेम का रस, ऐसा लगेगा कि दीवाने हो जाएंगे। और फिर वो होगा, जिधर देखती हूं बस तू ही तू नजर आता है। तो ये 2 मेडिटेशन की विधि, नजदीकिया दिल से मेरा, बोझ सारे किसके साथ, पूरे निश्चय के साथ, राइट, ठीक है ना, एग्री है। तो ये आप करिए, आने वाले समय में बहुत 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 काम में आएगा। ऐसे तो टाइम हो गया, अगर परमिशन हो तो एक छोटी सी मनोहर दादी जी ने कहानी सुनाई थी, मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ 2-3 मिनट में, चमत्कार मदद के।
रियल अनुभव है, सच्चा अनुभव है। दो बुजुर्ग युगल एक साथ रहते थे, ज्ञान में चलते थे, उनके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जो माता थी वो बहुत निश्चय बुद्धि थी, भाई थोड़ा कम था। माता ने शिव बाबा को अपना बच्चा बना लिया दिल से, केवल कहने मात्र नहीं। अगर कोई लौकिक अलौकिक वाला उससे पूछे ना, कोई भी, माता जी कितने बच्चे हैं आपको, तो वो ये नहीं कहती मेरे को कोई संतान नहीं है, बड़े गर्व से बड़े प्राउड से बोलती थी मेरा एक बेटा है, मेरा शिव बेटा, बड़ा ही आज्ञाकारी, बड़ा ही होवनहार। दिल से प्रीत हुई, और जब दिल से प्रीत हुई तो ऊपर वाले ने रीत निभाना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां दिल से प्रीत है वहां वो रीत ना निभाए ये हो नहीं सकता। अब उसको ऐसे अनुभव होने लगे कि बाबा उसका छोटा सा बच्चा बन के साड़ी खींच रहा है, उसके साथ साथ है, उसने अपने घर में एक बहुत प्यारा सा रूम बनाया बाबा का, उसको तीनों टाइम भोजन खिलाती, ऐसे नहीं। अब होता तो है, कई बार मैंने देखा, कईयों के घर में भी देखा, जगह देखा, बहन जी बाबा मेरा है, अच्छा घर में गए तो खूंटी पे लटका है, और वो भी टेढ़ा मेढ़ा लटका है, ठीक से वो है भी, कुछ इधर को लटका, ऊपर जाले लटक रहे हैं। माता जी भोग कब लगाया था? भोग तो नहीं लगाते, तुम तो सोतेली माँ से भी बुरा व्यवहार कर रहे हो बेचारे के साथ में, ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए, भले खूंटी पे जगह दो या ना दो, पर जगह कहाँ दो? दिल में दो। भोजन बनाने से पहले बाबा को ऑफर करो, प्यार से ऑफर करो, और ऐसे नहीं कि लो दाल भरा, चावल भरा, उसी में सब कुछ भरा और पटक दिया खा ले, नहीं। जैसे हम छोटे बेबी को खिलाते ना, 5 मिनट बैठिए, प्यार से ऑफर कीजिए, शुक्रिया दीजिए, इस तरह से। तो माता बहुत ही दिल से बाबा को मानती थी और बाबा उसको अनुभव कराता था, प्रीत की रीत निभाता था। एक बार क्या हुआ, माता को मधुबन आना था, उसने अपने युगल से कहा मुझे आबू जाना है, युगल ने मना कर दी, नहीं नहीं मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं, बाद में जाना। कहते अरे मैं आपको अकेला छोड़ के थोड़ा ही जा रही हूँ, अपने शिव बेटा को आपकी सेवा में छोड़ के जाऊंगी। कहता नहीं नहीं तुम बाद में जाना, लेकिन माता को अपने से ज्यादा भरोसा था अपने शिव बेटा पर, और उसके भरोसे वो अपने युगल को छोड़ के आबू के लिए चल दी। 6-7 घंटे चली थी, उस समय फोन वोन तो नहीं होते थे, उसके युगल को जोरदार वाला अटैक आया, हार्ट अटैक। युगल घर में अकेला था क्या, हाँ या ना? अब देखिए क्या होता है जब हम प्रभु अर्पित करते हैं तो क्या होता है, इसे इत्तेफाक कहो, चमत्कार कहो, प्रभु मदद कहो, कुछ भी कह सकते हो, दिल्ली साइड की बात है। एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी किसी हॉस्पिटल में, और एक अमेरिका के NRI डॉक्टर को बड़ी रिक्वेस्टली इनवाइट किया गया था चीफ गेस्ट के लिए, बड़ा ही सुप्रसिद्ध डॉक्टर, विश्व का फेमस डॉक्टर था वो, बड़ी रिक्वेस्ट के बाद इंडिया आ रहा था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ गेस्ट बन करके। कार से जा रहा था सड़क पर, जाते जाते दूर से उसकी एक गली पर नजर पड़ी, अरे यहां तो मेरा बचपन बीता है, यहां तो मैंने खेला कूदा है, पढ़ा लिखा है, उसको अपनी बचपन याद आ गई। जैसे ही गाड़ी गली के पास गई, अचानक उसके मुख से निकला गाड़ी मोड़ो इधर, जाना था हॉस्पिटल और क्या किया, इधर मोड़ो, स्टीयरिंग मुड़ गया, किसने मुड़वाया, पूरे 2 मिनट के अंदर माता के युगल के घर के सामने गाड़ी रुकी, और विश्व का प्रसिद्ध डॉक्टर अपने पांव से चल के माता के घर में गया, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड माता का युगल था, उसके घर गया वो। और जब उसने जाकर के देखा कि यहां तो ये ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है, तो उसने प्राइमरी स्टेज पर उसको पंपिंग वंपिंग किया, लैंडलाइन से फोन किया, लैंडलाइन होता था उस टाइम पर, तो अचानक वहां पर 15 मिनट के अंदर अंदर आप सोचिए सूरज भाई आ गए, आप उनका स्वागत कीजिए। एक जरूरी सूचना है, मैं उस हॉस्पिटल में फोन किया जहां कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, तो वहां से एक लग्जरी एम्बुलेंस जो किसी CM VM के लिए आती है ना,
वो एम्बुलेंस और उसमें कम से कम 8-10 अच्छे अच्छे डॉक्टर उसके माता के घर के सामने आए, एक के बाद एक अच्छे अच्छे डॉक्टर जिनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है खुद भाग भाग के माता के घर जा रहे हैं। प्राइमरी स्टेज पर ट्रीटमेंट हुई, फिर उनको आईसीयू वाली एम्बुलेंस में रखा, हॉस्पिटल लाए, बड़ी शाही ट्रीटमेंट हुई उनकी जो वीआईपी ट्रीटमेंट होती है। 5-6 दिन में वो ठीक हो गए। अब जो उनके फ्रेंड थे डॉक्टर, 2 नर्सों को साथ में देकर घर में भेज दिया केयर के लिए, और इधर माता का काम पूरा हो गया बाबा से मिलने का। दोनों के घर आने का दिन एक ही था, भाई पहले आ गए, माता थोड़ी देर बाद आई, लेकिन माता को थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा था कि सब ठीक होना चाहिए। जैसे ही दरवाजे पर आई तो उसने 2 नर्सों को खड़ा हुआ देखा, युगल धूप सेक रहे हैं आंगन में। बिचारी दबे पांव से गई और बोला सब ठीक है, तो पहले तो युगल ने माता को जोरदार वाला सैल्यूट किया और फिर कहा, उसका गला भर आया था, उसने बड़े प्यार से कहा, मान गया मैं तेरे शिव बेटा को, मान गया। और लास्ट में बोला, बड़े ही भावुक कर देने वाले शब्द बोले कि सुन, आज मैं तुझे रियलिटी बताता हूं, अगर मेरी खुद का खून तेरी कोख से जन्मा, हमारी खुद की औलाद भी होती ना, तो वो इतनी केयर नहीं कर सकता था जितनी केयर तेरे शिव बेटा ने की, खूब निभाई। और लास्ट फाइनल बात कही कि आज से ये केवल तेरा ही बेटा नहीं, आज से ये मेरा भी बेटा है, तेरे बेटे ने तो मुझे ऋणी बना दिया। आगे ना आंसू आंख में, मेरे भी आए थे जब मैंने सुनी थी ये कहानी पहली बार। तो जहां दिल से रिश्ता होता है, जहां दिल की प्रीत होती है, वहां बाबा रीत निभाते हैं। ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।